तो आज हम करने वाले हैं कस्टमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है जी। तो कस्टमाइजेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सेल में कई बार, जैसे आप मेरी देख रहे हैं कि यहाँ पे चार शीट है, ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट एरियल है, साइज 10 है, ठीक है जी। तो ये नई शीट है, तो इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक्सेल के ऑप्शंस हो जाए। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ऑप्शंस है हमारे पास, उसमें हमारे पास ये विंडो खुलती है एक्सेल ऑप्शंस की। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये सब सेटिंग्स होती हैं, जैसे आप यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्ट कर सकते हैं, एरियल है, यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट, फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं, व्यू चूज कर सकते हैं, और कितनी शीट डालनी है 255 तक आप चूज कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट, जब भी आप कंट्रोल एन करेंगे, एक्सेल एप्लीकेशन खोलेंगे, तो उसमें नई शीट के लिए आपको ये सेटिंग सप्लाई हो जाएंगी। दूसरी एक चीज होती है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ अभी, उसके अंदर ही हूँ सेल के अंदर, ये मिनी टूल बार आती है, ठीक है जी, फॉर्मेशन के लिए। और जैसे मैं यहाँ से चूज करता हूँ, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, पर ये मुझे कलर चेंज दिखा रहा है, ठीक है जी, इसको कहते हैं लाइव प्रीव्यू। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी आपके एक्सेल ऑप्शन में होते हैं, जैसे शो मिनी टूल बार, अगर नहीं आ रही है तो यहाँ से चेक एंड चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल लाइव प्रीव्यू, ये रहा, ठीक है जी। कई बार क्या होता है, स्क्रीन टिप नहीं आती है हमारे पास, तो ये स्क्रीन टिप की भी सेटिंग्स है, शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप एंड डोंट शो स्क्रीन टिप। ठीक है, ये तीन सेटिंग है इसकी। उसके बाद चलते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, फॉर्मूला में कुछ हमारे कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है, ठीक है जी, इसमें सम का फॉर्मूला लगाया है। अब मैं कहीं भी कुछ चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर, तो मेरा फॉर्मूला कैलकुलेशन कर रहा है, रिकैलकुलेट होता है। तो शीट में कहीं भी जब चेंज होता है तो फॉर्मूला रिकैलकुलेट करता है। ठीक है, इसी तरह जब हैवी फाइल्स होती हैं, ज्यादा फॉर्मूले लगते हैं, तो उसमें फॉर्मूले की कैलकुलेशन के कारण फाइल हैंग होने लगती है, तो उस केस में हम लोग कैलकुलेशंस को यूज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला टैब के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शंस में भी है, जिसमें आपके पास तीन मोड है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेक्ट डेटा टेबल और मैनुअल। ठीक है जी, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है, मैनुअल तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो गया, ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले होते हैं। अब कुछ भी कर रहा हूँ इसमें, अब मुझे मेरा फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास यहाँ से दो ऑप्शन है, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। ठीक है, कैलकुलेट नाउ में पूरी वर्कबुक, मतलब जितनी भी शीटें हैं, जितना फॉर्मूला लगे हैं, सब कैलकुलेट होंगे, कैलकुलेट शीट में केवल ये शीट कैलकुलेट होगी। अच्छा, ठीक है, ऑटोमेटिक कर देता हूँ, यही ऑप्शन आपके फॉर्मूला के अंदर भी होते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल, मैनुअल। ठीक है जी, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इटरेटिव कैलकुलेशन क्या होती है, आपने सर्कुलर रेफरेंस की एरर देखी होगी कई बार, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये मैं नीचे लगा रहा हूँ कि नीचे वाली सेल में 10 जोड़ दो, ठीक है, फिर मैं इसी नीचे वाली सेल को कहता हूँ ऊपर वाली सेल में 10 जोड़ दो, तो ये एक लूप बन गया, वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर रेफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारे पास अगर ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इस तरह की जरूरत पड़ती है, तो हम इसे इनेबल कर सकते हैं और इसे बता सकते हैं कि कितने इटरेशन लेने हैं। ठीक है, जैसे 100 बार, तो ये फॉर्मूला 100 बार कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या 10 दबा गया और 2000 आ गया ना? हाँ, क्योंकि ये
शुरू यहाँ से हुआ था कि इसने नीचे वाले में 10 जोड़ा, फिर नीचे वाले ने ऊपर में 10 जोड़ा, ये वो आपस में ही लूप घूमता रहा 100 बार। नहीं, आप फर्स्ट फॉर्मूला में खाली H5 हाँ H अच्छा H5 प्लस 10 ओके हाँ दूसरे में H4 प्लस 10, तो मतलब नीचे को ऊपर कर लिया, ऊपर वाले को नीचे कर लिया, ओके ओके तो यही होता है सर्कुलर रेफरेंस। ठीक है, जब वो अपने को ही कहीं इनडायरेक्टली कॉल करते हैं तो सर्कुलर रेफरेंस बन जाता है, तो इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ कॉलम में ABCD आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, तो अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A1। ठीक है जी, ये रेफरेंस लिखना पड़ता है। नहीं, और यहाँ पे भी अगर वही चीज लाना है तो यहाँ पे भी A1 ही होगा। तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस जो है एब्सोल्यूट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। पर हमारे पास एक रिलेटिव रेफरेंस भी होता है इसके अंदर, जो मोस्टली हम लोग VBA में यूज करते हैं, अच्छा R1C1 रेफरेंस स्टाइल। इसका मतलब है रो वन हाँ कॉलम वन रेफरेंस स्टाइल। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरे को, R-11C-5, और इस वाले में क्या दिखाएगा, R-5C-9। तो दोनों के रेफरेंस अलग हैं, ये चलते कैसे हैं। हाँ इक्वल टू करता हूँ, वापस इसी सेल पे आता हूँ, तो R0C0, मतलब RC खाली आ रहा है, मतलब R0C0, रो 0 कॉलम 0। एक कॉलम में आगे बढ़ता हूं तो रो 0 कॉलम 1 2 3 इस तरह से बढ़ता है, और रो में अच्छा, बढ़ूंगा जहां तो पे आप शुरू करते हैं वहां से रेफरेंस होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जो रेफरेंस होता है वो इससे रिलेटेड होता है। इसी तरह हाँ जब आप नेगेटिव में जाएंगे, जैसे रो में अब मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ ऊपर में, तो -4 -5 ये बताता है कितनी दूर पे। इसी तरह कॉलम में जब मैं माइनस में जाऊंगा तो ये ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेटिव रेफरेंस, हालांकि इसका यूज नहीं होता VBA में, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है तो यहां से ये ऑप्शन है, अनचेक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बैकग्राउंड एरर चेकिंग है। बैकग्राउंड एरर्स क्या होती हैं, जैसे हम कई बार लिखते हैं टेक्स्ट, मतलब चेक नंबर डालना है मान लो, और उसके आगे जीरो है, तो हम इस तरह से लिख नहीं सकते अभी, तो हम क्या करते हैं एपोस्ट्रॉफ यूज करते हैं जीरो के लिए। तो ये एपोस्ट्रॉफ एक एरर, बैकग्राउंड एरर एक एरर जनरेट करता है, इस पे ये ग्रीन साइन दिखाता है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एरर का सिंबल आ जाता है, और इसके साथ में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट का होता है जो हमें बताता है कि कौन सी एरर है। नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, कन्वर्ट टू नंबर, इग्नोर एरर के ऑप्शन देता है। तो ये बैकग्राउंड एरर चेकिंग होती है। ठीक है जी, और मेरे पास भी ऐसा ही कुछ आया था भाई रिसेंटली, ऐसा हाँ जी वो वैल्यूज उन्होंने डेसिमल पॉइंट के बगैर कॉमा डाले थे, तो हाँ उसको स्टोर एज टेक्स्ट था, मैं उसको कन्वर्ट कर दिया स्टोर एज नंबर बोले तो ऑटोमेटिक 8.6 हो गया। हाँ जी हाँ जी, वो बेसिकली आपका इस एरर के अगेंस्ट होता है, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, तब ये आपको एरर दिखाता है। और इसमें ये रूल्स होते हैं एरर चेकिंग के, जैसे हमें इस रूल के अगेंस्ट में ये एरर दिखी थी, हम नहीं चाहते कि इस रूल के अगेंस्ट में एरर आए, तो अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज होती है कि हमारे पास जैसे हम लोग स्पेल चेक करते हैं, एक्सेल में स्पेल चेक कहाँ होता है, रिव्यू में स्पेलिंग यहाँ पे, या फिर F7 का यूज कर सकते हैं। तो अगर शुड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये कैपिटल में स्पेल चेक नहीं करता है, तो प्रूफिंग के अंडर आपके पास इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस पहले से चेक हुआ रहता है, तो ये अपर केस के कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देता है। आप चाहते हैं कि अपर केस में भी आपका एरर चेक, ये स्पेल चेक हो, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि जैसे मैं सी इस तरह से लिखना चाह रहा हूं पर ये कन्वर्ट हो जा रहा है, आर लिखना चाह रहा हूं तो रजिस्टर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, TM। तो ये क्या होता है कि जैसे ही हम टाइप करते हैं ये रिप्लेस कर देता है। इसके पास एक डिक्शनरी होती है जिसके हिसाब से ये
कोड चेंज कर देता है। ओके अगर ये दिक्कत कर रहा है आपको तो यह ऑटो करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रूफिंग के अंडर ही, इसमें जाएंगे हाँ और इसमें रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप है, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो चीज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो डिक्शनरी है इसमें हम अपने मतलब की चीज भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने एसएस के लिए संदीप सिंह डाला हुआ, तो मैं यहां से लिख के जैसे पीके लिख दिया मैंने और उसका लिख दिया प्रदीप कुमार, इसको ऐड कर सकता हूँ डिक्शनरी में, अपने हिसाब से भी यूज कर सकता हूँ इसको, तो जब भी मैं पी के लिखूंगा ये आ जाएगा। ठीक है जी, और एक चीज होती है कि हम किसी की ईमेल आईडी लिखते हैं तो वो हाइपरलिंक में चेंज हो जाती है, कोई वेब एड्रेस लिखते हैं तो वो भी हाइपरलिंक में चेंज हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हाइपरलिंक में चेंज ना हो तो उसके अंदर आप जाके ऑप्शंस के अंदर जाके प्रूफिंग प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में दूसरा टैब है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर देंगे तो वो कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद सेव के ऑप्शंस देखते हैं। अब जैसे कि मैं सेव एस के लिए क्लिक किया, मैंने F12 से सेव एस की विंडो खुल जाती है, तो ये मेरे पास आ रहा है डेस्कटॉप में। ठीक है जी, जो डायरेक्टरी है डिफॉल्ट मेरी डेस्कटॉप है और जो सेव एस टाइप है वो एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है। ठीक है, तो आप ये चीज अगर डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर जाके सेव में यहां से वो डिफॉल्ट अपना चूज कर सकते हैं फॉर्मेट। अच्छा, अब हमेशा बेस्ट कौन सा है भाई? मेरा तो .xls, .xlm और ऐसा कुछ आता है .xls। डॉट एक्सएलएस सर पुराना वाला है, एक्सएल एसएक्स जो है वो आपका नए वाले फॉर्मेट में आता है। ओके ठीक है, एक्सएलएस जो है आपका 97 2003 का फॉर्मेट है, तो मैक्रो इनेबल्ड का यूज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कई मैक्रो फाइल बनाता हूँ। ठीक अच्छा, है, ये एक्सा मिला है। अच्छा, हाँ ये एक्सएलएम है मतलब मैक्रो इनेबल्ड फाइल। ठीक है, उसके बाद कई बार हमारे पास हैवी फाइल्स होती हैं तो वो क्या करता है कि हर 10-10 मिनट में सेव करता रहता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑटो रिकवर का, ओके तो यहाँ से आप टाइमिंग बड़ा घटा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है भारी फाइल खुलने में टाइम लेती है और ये 10-10 मिनट में सेव रहेगा तो फिर हैंग करता रहेगा सिस्टम, तो आप इस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है कि फाइल सेविंग की, वो यहाँ दे सकते हैं, तो हमेशा उसी डायरेक्टरी में फाइल खुलेगी सेविंग के लिए। ठीक है जी, उसके बाद आप एक्सेप्शन चूज करना चाहते हैं कि सबके लिए टाइमिंग नहीं हटाना चाहते, ऑटो रिकवर आप डिसेबल कर सकते हैं ओपन किसी वर्कबुक के लिए, वो आपकी वर्कबुक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है जी, अच्छा, उसके ऑटो रिकवर बोले तो कुछ विदाउट सेव करके ये हो गया तो कुछ हाँ फाइल क्रैश हो गए। हाँ मतलब कई बार फाइलों में ऑटो रिकवर होता रहता है, ऑटो रिकवर बाय डिफॉल्ट हर किसी में होता है 10-10 मिनट में, हाँ तो कई बार हैवी फाइलें होती हैं हमें उनकी जरूरत नहीं होती उनको सेव करने की बार बार, क्योंकि वो उनको टाइम उतना लग जाता है सिस्टम हैंग कर जाता है। जैसे जिस फाइल के लिए हम कैलकुलेशन मोड जो है मैनुअल सिलेक्ट करते हैं उसी फाइल में ये भी यूज कर सकते हैं ताकि सिस्टम हैंग ना करे। ठीक है, तो उसके अलावा कई बार आपकी फाइल जो खो जाती है मतलब बिना सेव किए बंद कर दी या क्रैश हो गई, तो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, यहाँ इन्फो में जाके, यहाँ पे हमारे पास मैनेज वर्जन है, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक, तो कोई भी अनसेव्ड वर्कबुक होगी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है सर, एक सेकंड भाई, मैं उसको एक सेकंड देख। जैसे मैंने ये बनाया था, वो अनसेव है, वो ये लास्ट लास्ट वाला है।
अच्छा, तो अनसेव्ड वर्कबुक कई बार हम क्या करते हैं, ये फाइल को सेव नहीं करते, तो ऑटो रिकवर से क्या होता है, ये इन्फो में जा सकते हैं हम, फाइल में इन्फो में मैनेज वर्जन रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। अच्छा इसमें आपको अनसेव्ड जो ऐसी वर्कबुक आपने थोड़ी देर काम किया होगा 10 मिनट से ज्यादा, तो वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। जैसे मैंने आज सुबह ही किसी पे काम किया था और इसको सेव नहीं किया था, तो ये मेरे पास अनसेव्ड वर्कबुक का डाटा आ गया। ठीक है जी, ओके ओके तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जैसे फॉर्मेट्स हैं, तो फॉर्मेट्स में एक और इस फॉर्मेट बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पास एक होता है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का फॉर्मेट। ये क्या करता है, कई बार आपके पास हैवी फाइल हो जो 100 MB 200 MB की हो, उसको आपको छोटा करना है तो एक्सेल बाइनरी वर्कबुक फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जिसमें सेव होने से क्या होगा कि आपका अगर 100 MB की फाइल है तो वो 20 MB की हो जाएगी और सारे फीचर्स वर्क ओके करेंगे ओके उसमें। ठीक अच्छा, है जी, आगे देखते हैं एडवांस में। आपका जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो कर्जर जो है डाउन जाता है, तो यहाँ से ये इसकी सेटिंग्स हैं कि डाउन जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, लेफ्ट जाना है, तो कभी डिस्टर्ब हो तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा, डेसिमल पे काम करते हैं कई बार हम लोग, ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, इसको चेक कर दिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, जब भी मैं वो करूंगा 2 डेसिमल अपने आप डाल देगा। ठीक है जी, या आप आपने, नंबर पे डाले वो फिर भी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ओके हाँ वो डेसिमल में अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, और कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये वाला, ये गायब हो जाता है, क्या कहते हैं इसे, ये ड्रैग करना चाहते हैं ना, तो ये गायब हो जाता है, ब्लैक डॉट है ना, कि हम कभी ड्रैग करना चाह रहे हैं, अभी तो हो रहा है पर कई बार गायब हो जाता है, तो ये होता है हमारा एडवांस में थर्ड ऑप्शन, इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका फिर ड्रैग का फीचर काम नहीं करता है, ये ड्रैग का आएगा ही नहीं। ठीक है जी, वो करेगा ही अच्छा नहीं। अच्छा हाँ, तो उसके लिए इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप में हमें जाना पड़ता है। इंडिया में जब ITR भरी जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो एक फाइल यूज होती है जिसके अंदर एक ऐसा मैक्रो है जिसको ऑफ करा जाता है। ठीक है ओके जी, ओके तो वो यहाँ से होके होता है। तो एडवांस के अंदर ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है जी, छोटे छोटी चीजों के लिए, जैसे कि एक देखें ग्रिड लाइन का कलर, ग्रिड लाइन का कलर रेड हो गया, इस तरह से देखी होगी आपने कई शीट, तो वो यहाँ फाइल में जाके, ऑप्शन में जाके, एडवांस में यहाँ से चेंज करनी पड़ती है ग्रिड लाइन कलर। ठीक है, उसके बाद चेंज कर दूं पहले इसको। आप देखते हैं जैसे जनवरी फरवरी ड्रैग हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डेज भी, संडे मंडे भी ड्रैग कर सकते हैं, हाँ पर मैं इनके साथ ये भी ड्रैग कर सकता हूँ, सिटी भी ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये कैसा है भाई, ये मंडे प्रदीप रवि वो सब नाम कैसे चेंज होगा। हाँ, अब देखिए ये होता है हमारा कस्टम लिस्ट में, ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस के अंदर सबसे नीचे एडिट कस्टम लिस्ट होता है। तो ये कस्टम लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे लिस्ट है संडे मंडे, तो ये डिसेबल्ड एंट्री है, आप इनको नहीं कर सकते, ये सिस्टम की होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मैंने किए, ये एडिटेबल है, तो आप इसको न्यू लिस्ट में जाके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, एंटर करके,
और या अगर आपके पास पहले से है तो इम्पोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये एड्रेस से, इधर से सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए तो इम्पोर्ट करा सकते हैं, ऐड करेंगे, ओके करेंगे, तो उसमें से कोई भी नाम लेंगे तो ये ड्रैग करने लगेगा, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हम लोग कस्टम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। कस्टम लिस्ट का आगे भी एक यूज है, मैं आगे बताऊंगा फिल्टर सॉर्टिंग में। इसके बाद कस्टमाइज रिबन, अब जैसे देख रहे हैं कि डेवलपर मेरे पास है, डेवलपर बार, डेवलपर टैब, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है, तो आप कस्टमाइज रिबन में ये रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं, डेवलपर को ला सकते हैं या किसी और चीज को, पावर व्यू को ला सकते हैं, ठीक है जी, अपना नया टैब बना सकते हैं और या कोई ऑप्शन किसी टैब में ऐड कर सकते हैं, यहाँ से पॉपुलर कमांड से या इसमें ऑल कमांड से, तो उसमें आपकी ये सारी कमांड्स आ जाती हैं, तो यहाँ से हाँ, ढूंढ के जो जो वो आपको ऐड करना है। कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार होती है हमारी, ये जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, ठीक है जी, तो इसको हम इसमें कुछ ऐड डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये कुछ भी आपने लगाना है, जैसे फिल्टर का लगाना है तो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार में, तो यहाँ फिल्टर ऐड हो गया, ठीक है जी। उसके बाद एडिंस, जो एडिशनल फीचर होते हैं एक्सेल के, वो हम एडिन के जरिए एक्सेस करते हैं, जैसे इसमें मैनेज एक्सेल एडिंस है, तो यहाँ पे आपको एक्सेल एडिंस, कॉम एडिंस वगैरह दिखा रहा है, ठीक है, तो एक्सेल एडिंस, कॉम एडिंस के जरिए हम पावर पाइवट वगैरह, पावर व्यू एक्टिवेट कर सकते हैं, और एक्सेल एडिंस के जरिए हम कोई मैक्रो फाइल बनाई है जैसे हमने, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्राउज कर लेते हैं मैक्रो में, और ये मेरा एड इन फाइल बनाई है मैंने, एक्सेल एड इन फाइल बनती है जिसके अंदर मैक्रो होते हैं, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पे ये मैक्रो आ गया, ओके। अब उस मैक्रो को इस फाइल में कैसे चलाना है, मैं उसको यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैक्रोस का है, ये मैक्रो आ गया जो उस फाइल में था, ऐड कर दिया मैंने, ओके। तो अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो ये मैक्रो चल उसको वहां जाएगा, पे डायरेक्टली कर सकते हैं ना। डायरेक्टली टैब भी बना के उसमें डाल सकते हैं, ओके, हाँ वही। तो मैक्रो के जरिए वो एक्सेसिबल होता है ऐसे। तो ये इस जो भी सेटिंग्स हैं ये सारी हमारी एक्सेल एप्लीकेशन में चलेंगी, मतलब कि आपके सिस्टम में जितनी भी फाइल वर्कबुक आप यूज कर रहे हैं उन पे, किसी को मेल करेंगे तो वो सेटिंग्स नहीं जाती हैं, वो सेटिंग आपके लोकल सिस्टम में होती है, ठीक है सर। और इसमें लास्ट में है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग, ये जिसके अंदर जो सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ भी ब्लॉक होता है आपके सिस्टम में, जैसे मैक्रो हाँ आपने, भाई, ये मैं सॉरी एक सेकंड, मेरे साथ ये बहुत बार होता है भाई। मैं कुछ बहुत सारे मैं ऐसे फॉर्मूलास यूज करके लिखता हूँ, मैं हाँ कुछ ऐसे मैच इंडेक्स ये वो करके, उसके बाद वो फाइल खुलता ही नहीं, उस पर कुछ करने ही नहीं होता। और मैं यहाँ पे जाके ऐसे ऑप्शंस बिना पता नहीं ऐसे ही कुछ ट्राई करता हूँ, ट्रस्ट सेंटर में हाँ जाके अलॉक किया तो उसके बाद चलता है। मैं बताता हूँ वो क्या होता है, सबसे पहले होती है मैसेज बार, ठीक है जी, मैसेज बार वो होती है जब आपका कोई भी कंटेंट ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे येलो लाइन आती है कि आपका ये इनेबल मैक्रो करना है या एक्सटर्नल कंटेंट ओके करना है, वो आपसे पूछता है इनेबल डिसेबल में, तो अगर मैसेज बार ही आपकी डिसेबल होगी तो वो नहीं दिखाएगा, तो ये इनेबल होनी चाहिए पहले मैसेज बार, ठीक है जी। उसके बाद एड इन्स, अगर आप एड इन यूज कर रहे हैं और यहाँ से डिसेबल है तो एड इन यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। एक्टिव एक्स, एक्टिव एक्स वो होते हैं जैसे फॉर्म कंट्रोल हो गए हमारे, चार्ट्स हो गए,
मतलब जो अदर से आते हैं, जैसे फ्लैश की गेम फाइल होती है ना एक्सेल में, तो वो सब बटन्स वगैरह, तो वो एक्टिव एक्स कंट्रोल होते हैं, तो एक्टिव एक्स को यूज करने के लिए ये भी इनेबल होना चाहिए। मैक्रोस इनेबल डिसेबल कर सकते हैं हम लोग, बाय डिफॉल्ट कर देंगे इनेबल, ठीक है जी। प्रोटेक्टेड व्यू आता है, प्रोटेक्टेड व्यू चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कंटेंट, या आपने कभी फार्मूला लगाते हैं दूसरी फाइल से, किसी और फाइल से, या फिर उससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अगर एक्सटर्नल कंटेंट जो है डिसेबल होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, तो ये इनेबल होना चाहिए या प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सेटिंग होती है आपकी, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कस्टमाइजेशन एंड ट्रबल शूटिंग था, ठीक है सर। और बताएं तो इसमें और कुछ आगे करवाओ। हाँ, आप जैसे भाई, मेरा मेरे को अभी 3 सवाल है भाई, एक्चुअली छोटा हाँ जी, छोटा सवाल, हाँ जी, हाँ पता जी, नहीं क्या। अभी मैं फिल्टर करके उसको डिलीट करता हूँ ना, ये हाँ। बैकग्राउंड में रहने वाला भी डिलीट होता है, उसको कैसा रहे ये करना भाई? उसके लिए मैं आपको फिल्टर का मैं दिखा देता हूँ कि क्या होता है, वो छोटा सा ऑप्शन है बस। जैसे मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ फिल्टर के लिए, ये जैसे मेरे पास एक डाटा है, ठीक है जी। अब इस पे मैं फिल्टर कर लेता हूँ, आप डिलीट करते हैं या कॉपी करके पेस्ट करते हैं, कई बार बैकग्राउंड का डेटा भी आ जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ से एक को फिल्टर कर दिया, ठीक है, ये डेटा है। और जब मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ या कुछ भी करना चाहता हूँ, तो उसका बैकग्राउंड का डेटा डिलीट हो जाता है। फर्क होता है हमारे सिलेक्शन में। तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए, फाइंड एंड सिलेक्ट में हाँ, गो टू स्पेशल में जाएंगे और इस पे सिलेक्ट कर समझ लेंगे विजिबल सेल्स ओनली। हाँ, नहीं मैं इसको किया था भाई, मगर इसको हमेशा रखने के लिए क्या करना वो? आपको छोटा सा इसका शॉर्टकट बता देता हूँ यही चीज को करने का। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट अच्छा, और सेमीकॉलन। ओके, इसको करना पड़ता है सर, क्योंकि इसके बगैर गारंटी नहीं होती कि वो सिलेक्शन वो रहेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं भाई, और एक इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्या? मेरे को नहीं वो सर, सवाल था मेरा। इसको डिफॉल्ट नहीं कर सकते, बस आपको ध्यान में रखना होता है ऑल्ट सेमी कॉलन दबा दे सिलेक्ट करके, अच्छा, ऑल्ट सेमी कॉलन। हाँ ऑल्ट सेमी कॉलन, ओके जी, तो जी। उससे और सॉरी, ओके, ये ऑल्ट आपका, सेमी कॉलन, ठीक ऑल्ट है। प्लस सेमी कॉलन। हाँ, तो वो सिलेक्शन आपका वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत छोटा छोटा चीज है भाई, फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हुआ आपने यहाँ से शुरू किया ये। ऑप्शंस मैं कभी कभार उसको यूज करता हूँ बिना मतलब समझ के, ऐसे ट्राई करता रहता हूँ, हाँ एक जी, बार हाँ, हो गया तो हो गया, उसको मैं याद भी नहीं रखता हूँ, फिर से और एक बार कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कुछ ऑप्शंस कर करके मैं ऐसा निपटाता हूँ, मगर उसको कभी ध्यान में नहीं रखता। अच्छा हुआ आपने ये सब सिखा वो दिया। मैं सर वो बीच में आपको ये एक्सेल की ये वाली डोज देता चला जाऊंगा, आपको अपने आप ही आपका स्टॉक फिल हो जाएगा। अच्छा, वो और एक है भाई, कभी अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं पावर व्यू में काम कर रहा हूँ, हाँ जी, पहले पावर व्यू में काम करने के लिए पावर पिवोट को बनाना है, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, उस वहां से आप निकाल के टूल बना देते हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी उस पे डेटा को अपडेट किया तो हाँ वो पावर व्यू में भी रिफ्लेक्ट होना, वो एक एक बार नहीं होता,
वो डेटा सिलेक्शन किस तरह करना करके। हाँ उसको अब देखिए पावर व्यू में, पावर पाइवट में इसलिए ऐड कराते हैं क्योंकि वो टेबल मांगता है पावर व्यू। मगर सोर्स फाइल में आप डेटा ऐड किया तो वो जैसे पिवोट टेबल में हम टेबल को अपडेट किया तो रिफ्रेश किया तो हो जाता है ना, हाँ इस जी पे वो हाँ, नहीं होता, वो कैसा है करके। हाँ उसका मैं एक बार देख लूंगा कि हाँ आपका जैसे अगर मेन डेटा में चेंज हो तो पावर व्यू में उसका चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एक बार देख लूंगा मैं उसका। हालांकि अच्छा, वैसे मगर वो क्योंकि डेटा सिलेक्शन कुछ अलग सा हो करते क्या मैं। नहीं, सिलेक्शन ऐसे ही होता है उनका, मैं देख लूंगा एक बार उसका, मैंने अभी देखा नहीं है उसका, देख लूंगा अच्छा, बाकी। मैं यूजुअली हाँ जी फ्रॉम अदर सोर्सेस करके जाके एक्सेल करके सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ से करते हैं आप, तो इसका मैं हाँ बताता हूँ। तो डेटा में ना एग्जिस्टिंग ये कनेक्शन जो भी बनता है ना आपका, जैसे ये कनेक्शन बना था, ठीक है जी, ये वाला कनेक्शन बना था, ये आपको यहीं दिखेगा, और अच्छा इसको जब हम वो करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज में आपका होता है रिफ्रेश एवरी 60 मिनट, ठीक है जी, या ओके रिफ्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं, वो अपने आप डेटा उतनी उतनी देर में रिफ्रेश करता रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन कनेक्शंस को रिफ्रेश करना जरूरी होता है। ओके ओके, इसीलिए वो अपडेट नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ, एक ही और नहीं छाती तो में, जैसे ये आ जाता है ना, तो टेबल में यहाँ रिफ्रेश का आ गया है ये। मगर वहाँ वैसा रिफ्रेश किया तो मुझे एरर कमांड आता है, वो सोर्स फाइल और इसका कनेक्शन ही नहीं है करके कुछ ऐसा आ जाता है। तो वो फाइल उसी लोकेशन पे रहती है जहां से आप कनेक्शन करते हैं उसका। मगर उसको कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट किया तो भी नहीं होता क्या भाई? हाँ, क्योंकि अगर उसकी लोकेशन कहीं और चली जाएगी तो वो नहीं होगा वो, क्योंकि कनेक्शन तभी बनाए कि एक जगह फाइल पड़ी हुई है, वो ओके ओके फाइल ओके, परमानेंट होनी चाहिए वहां पे। अच्छा, उसको मूव नहीं कर सकते कभी नहीं, मूव करेंगे तो दोबारा करना पड़ेगा ये सब। भी। ओके, और मैं वही भाई अभी ये पावर व्यू में जो किया था ना आपने, दिखाया हाँ ना जी, मैं आपको, हाँ जी, हाँ जी, उसको मैं पावर व्यू में करना चाहता हूँ मैं। पावर बी आई जानते हो क्या आप? पावर BI नहीं, पावर बी आई नहीं। ये Office 365 के साथ मैं वही अच्छा, उसको भी ठीक वो ऑप्शन करना चाहता हूँ, देखूंगा कैसा होगा करके। है, चलो सर, फिर और आगे करा दूं कुछ, कि आज के लिए काफी है, कल करेंगे। आपके पास टाइम हो तो मेरे पास। चलो ठीक है, नंबर फॉर्मेटिंग करा देता हूँ मैं आपको, बाकी हम कल कर लेंगे। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है? रैंक बिटवीन 10 एंड 90, वो रैंडम नंबर्स लेता है बिटवीन दोनों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसको मैं, क्योंकि डेटा बनाना होता है मुझे तो मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है ना, रैम मुझे वैसे ही डेटा चाहिए होता है कुछ भी। तो इसमें ये डेटा है, बाय डिफॉल्ट हमारी हर एक सेल जो होती है, कंट्रोल वन से ये डायलॉग आता है फॉर्मेट सेल का, राइट क्लिक करके भी आ जाए, हर बाय डिफॉल्ट हर सेल हमारी जनरल होती है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि आप बाकी आगे नंबर फॉर्मेट देख लेते हैं। नंबर इसमें यहाँ डेसिमल प्लेस आपको मालूम है, सेपरेटर का यूज पता है हाँ आपको कि कॉमा, 1000 हाँ वैल्यू पे कॉमा लगा देता है। दूसरा नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, इसका पता है सर? नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं कि हाँ ये बाय डिफॉल्ट माइनस दिखाता है, और बाकी आप हाँ चेंज कर सकते हैं कि वो माइनस की जगह कलर दिखाए, ठीक है, तो ये नेगेटिव आपको कलर में दिखा रहा है, ठीक है जी। राइट। करेंसी, डेसिमल और नेगेटिव नंबर सेम है, सिंबल आप करेंसी सिंबल चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें अकाउंटिंग में आपका डेसिमल प्लेस और सिंबल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है?
ये अकाउंटिंग का फॉर्मेट में आपका करेंसी जो है अलाइंड होती है, हाँ ठीक है जी। दूसरा, इसमें अगर कहीं जीरो होता है तो डैश आता है, इनमें नहीं आता है, इनमें जीरो ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद डेट को देखते हैं, जैसे कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट आती है। कई बार क्या होता है, ये जनरल फॉर्मेट में हो जाता है, यहाँ से जनरल में कर देता हूँ इसे। तो ये चीज पता है आपको, ये क्या नंबर क्या होता है, ये नहीं इस नंबर को जानने के लिए मैं एक लिखता हूँ और इस पे कंट्रोल शिफ्ट थ्री यानी कि डेट फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट डेट आ गई, 1 जनवरी 1900। 367 करता हूँ, अब आ रही है 1 जनवरी 1901। तो ये तब से लेकर अब तक के हाँ जितने दिन हुए हैं वो हैं ये, ठीक है सर। ये नंबर्स वो होते हैं, और अगर ये नंबर है सिंपल तो आप इस पे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको डेट फॉर्मेट में इनका इंपैक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती है। इसमें हमारे पास हमें फॉर्मेट दिए हुए हैं डेट के, यहाँ पे जो दो स्टार लगे हुए हैं इनका मतलब है कि ये दो फॉर्मेट आपके सिस्टम की लोकल सेटिंग से आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जहाँ पे लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट आपके कंट्रोल पैनल में अंदर रीजनल सेटिंग्स में होती है, वो फॉर्मेट यहाँ अप्लाई होता है सिस्टम लोकल में। इसमें आप अलग से डेट देना चाहें, मंथ देना चाहें, इस तरह से भी दे सकते हैं, ईयर नहीं चाहिए, आगे खाली मंथ नेम चाहिए, मंथ नेम एंड ईयर वो दिखा सकते हैं। डेट वही रहेगी, बैकग्राउंड नंबर वही रहेगा, ये बस इसका फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। जैसे मंथ का इनिशियल एंड ईयर इस हिसाब से दिखा सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जिसके बेस पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से टाइम का देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन से करंट टाइम आता है। अगर मैं टाइम को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक डेसिमल प्लेस वाले कुछ नंबर दिखते हैं, ठीक है जी। नाओ का फॉर्मूला देखता हूँ, नाओ का फॉर्मूला क्या करता है, करंट डेट एंड करंट टाइम देता है, ठीक है जी। इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे वही नंबर मिलता है डेट वाला, और पीछे डॉट लगा के कुछ वैल्यूज होती हैं। तो ये क्या होती हैं कि ये अब देखिए कि 1 घंटे में एक एक जो वैल्यू है, एक दिन के बराबर भी होती है और टाइम में ये 24 घंटे के बराबर होती है, ठीक है जी। तो अगर आपको 1 घंटे की वैल्यू चाहिए तो 1/24 करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस वैल्यू को अगर मैं टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टू से टाइम फॉर्मेट में, तो ये मुझे 1 घंटे की वैल्यू दिखा रहा है, 1 AM दिखा रहा है, ठीक है। 12 बजे से स्टार्ट होता है, 2/24 2 घंटे की वैल्यू दिखा रहा है। यही मुझे अगर मिनट में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये जो डिवाइड कर रहा हूँ 24, इसको मल्टीप्लाइड बाय 60 और कर दूंगा, ठीक है जी। ये आ गया, सेकंड से करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 60 और कर दूंगा, ठीक है। अब सेकंड का फॉर्मेट टाइम में हमारे पास, यहाँ सेकंड का फॉर्मेट भी है, AM PM वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर ये डेसिमल पोजीशन है तो मैं अगर इसमें एक जोड़ूंगा तो वो डेसिमल से आगे जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी टाइम में अगर मैं 1, 2, 3 करके जोड़ता हूँ तो उसमें 24 घंटे जुड़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा अच्छा तो अब इसको दिखाता हूँ कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट क्या क्या है। फॉर्मेट है हमारे पास टाइम में 12 घंटे का फॉर्मेट, 12 आवर्स का, जिसमें आपके AM PM लिखा होता है, ठीक है। तो ये 12 घंटे का होता है, 24 घंटे का वो होता है जो 13/30 वाला फॉर्मेट है, ये इसमें AM PM नहीं होता, तो ये 24 आवर्स के उसमें दिखाता है सिस्टम में। और बियॉन्ड 24 आवर, क्योंकि कई बार हमें टेस्ट रन हो गया प्रोडक्ट का कि कितना चला है, 36 घंटे, 48 घंटे, इस तरह से टाइम दिखाना होता है, हमारे पास 37/30 का फॉर्मेट है यहाँ, तो ये आपको दिखाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने एक जोड़ा था तो 24 घंटे 2 मिनट, इस तरह से दिखा सकता है बियॉन्ड 24 आवर्स।
ठीक है सर, ये तीन फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद परसेंटेज का फॉर्मेट होता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 2.5, 0.5, 0.25, ठीक है। तो इसको जब मैं परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, तो एक जो होता है, यहाँ डेसिमल प्लेसेस होते हैं आपके, एक जो होता है वो 100 में बदल जाता है, 0.5 जो है आपका 50 में बदला। तो इनकी बैकग्राउंड वैल्यू नहीं बदलती है, वो वही रहती है जो पहले थी, ठीक है जी। पेस्ट एज वैल्यूज करके देखेंगे तो इनकी बैकग्राउंड वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। इसको 250 को, तो इनकी वैल्यू जो है वही रहती है। यहाँ पे भी चेंज करते हैं तो भी जनरल में करके देखेंगे तो वही रहेगी। इसी तरह से हमारे होते हैं फ्रैक्शंस, परसेंटेज की तरह ही फ्रैक्शंस हैं, वो जो आपकी वैल्यू होती है 1/2, 2/3, इस तरह से, ठीक है। 0.75, 3/4, ठीक है, ये फ्रैक्शंस होते हैं। टेक्स्ट यूज करते हैं हम, टेक्स्ट का क्यों यूज करते हैं, जैसे मैंने दिखाया था कि आपको कि आगे जीरो लिखना है, अपोस्ट्रॉफ के बाद जीरो लिख सकते हैं हम, है ना। तो यही काम आपको बार बार करना है तो अपोस्ट्रॉफ लगाना पड़ रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, यहां से टेक्स्ट में, ठीक है, ओके करूंगा। तो अब मुझे अपोस्ट्रॉफ लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट टाइप कर सकता हूं। ठीक है जी, डायरेक्ट कर सकता हूं। पर कई बार इस केस में क्या होता है कि जब हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, ये वैल्यूज करके आ जाएगा रिजल्ट। हाँ मान लीजिए कि मैंने इसको टेक्स्ट में कर दिया और इससे मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ टेक्स्ट का, ठीक है जी, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ निकालने के लेंथ का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया, ठीक है। तो टेक्स्ट जब भी आप इसमें कभी फॉर्मूला डालेंगे तो ऐसा आएगा आपका, ठीक है। और इसको ड्रैग करेंगे तो इसका रेफरेंस भी चेंज नहीं होगा, इस तरह से दिखा देता है, क्योंकि वैल्यू टेक्स्ट है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके जनरल में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी नहीं होगा। ये कब होता है, जब आप इसके अंदर जाके क्लिक करके एंटर मारते हैं तब चलता है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें, इसके लिए आसान सी चीज है कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, डेटा में जाएं, टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां से जनरल सिलेक्ट कर लें और फिनिश कर दें, आपकी सारी वैल्यू एडिट हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ तो टेक्स्ट टू कॉलम के जरिए आपका हो जाएगा। उसके बाद साइंटिफिक का यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये लॉग वैल्यूज वगैरह होती हैं। स्पेशल स्पेशल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी बजाय हम ये कस्टम का करेंगे, कस्टम से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कस्टम का हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है, ठीक है जी, अच्छा, कि ये कोड्स क्या होते हैं ये सब, ठीक है सर। ठीक है भाई, फिर कल 11 बजे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आपका 11 बजे, मेरा कितना होता है 3:30, ठीक है जी, ओके सर, ठीक है सर, कल मिलते हैं। ओके सर। अभी आपने वो ट्रांसफर तो नहीं किया ना अभी?